हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक खबीस इंसान के ऊपर है जो फजूल में पाकिस्तान का नाम लेता रहता है और पाकिस्तान का नाम लेके फजूल के बकवास करता रहता है। हाँ, मुझे पता है तुम लोग इतने छिना लो कि टाइटल पढ़ते ही तुमने क्लिक मारा होगा कि आज तो भाई ने पाकिस्तान की बेइज्जती की होगी, मगर ऐसा ही है। हाँ तो बेटा, तू क्या कह रहा है कि तू पाकिस्तान की बेइज्जती करेगा? तू पाकिस्तान की बेइज्जती करेगा? अबे साले, तेरे को पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या है भाई? क्यों तू पाकिस्तान का नाम लेता रहता है? क्यों फजूल में पाकिस्तान का नाम लेके जो है ना हमारे साथ पंगा लेता रहता है? अगर तेरे साथ पाकिस्तान वालों ने कोई ज़्यादती करी है, तेरे साथ कुछ हुआ है, तो तू बता दे बेटे, तेरा मसला हल कर देंगे। और अगर उसके अलावा तेरे 0 पॉइंट में अगर कोई ख़ारिश हो रही है ना, तो तू फिर वो भी बता दे। हम तेरे 0 पॉइंट के लिए ना, हमने यहाँ बम्बू रखे हुए पाकिस्तान में, वो एक एक करके तेरे अंदर पूरा बम्बू चढ़ाएंगे ना, तो तेरे 0 पॉइंट की ख़्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी। समझ आइए, असल में तेरे बारे में मैंने एक और रिसर्च करी है। तू नस्ल कौन सी है पता है? जब जेबरा और गधे की जो है ना क्रॉस होती है ना, तो तेरे जैसे खच्चर नस्ल पैदा होती है, और वो साला तू खच्चर नस्ल गई है। इसलिए तू जो है ना, तेरे को करने को कुछ नहीं मिलता, तू मुँह उठाता है पाकिस्तान के बारे में बोलना शुरू कर देते। पाकिस्तान हमसे सिर्फ एक ही चीज़ में आ गया है, बेइज्जती कराने में। पाकिस्तान हर चीज़ में हमारा बच्चा है। हमारे IPL के ओपनिंग सेरेमनी का बजट इतना है जितना कि पूरे पाकिस्तान। अबे रुक जा भाई, रुक जा, तुझे जो चीज़ चाहिए वो तुझे देंगे, तुझे तेरा बम्बू लाजमी देंगे, आखिर में देंगे तुझे तेरा बम्बू। लेकिन तू इस बात का जवाब भी सुन ले, क्या बोल रहा है तू? पाकिस्तान तुम्हारे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ में आगे, बेइज्जती कराने में। अबे सालो, तुमने जो अपनी पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई है ना, वो भी हमें नज़र आ रही है और पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। फिर भी तुम्हारी कौम जो है ना, और तुम लोग जो है ना, कभी सुधरोगे नहीं सालो। सुधरना मेरे को लग रहा है तुम्हारे नसीब में ही नहीं है सालो। हर जगह तुम पाकिस्तानियों से अपनी बेइज्जती कराओ। आका टूट गई है। बाप कौन है? और क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना हमारा बच्चा लगता है। अबे पाकिस्तान तुम्हारा बाप लगता है। बाप बाप को समझते हो? बाप, अभी पिछले दिनों हमने तुम्हें भीख में तुम्हारा विंग कमांडर दिया है, वो सारी चीज़ें भूल गए तुम लोग, फिर तुम बोल रहे हो कि पाकिस्तान तुम्हारा बच्चा लगता है। बेटा बच्चा नहीं लगता, पाकिस्तान तुम्हारा बाप लगता है। कल से तुमने पाकिस्तान को अपना बाप बोलना है। समझ आ रही है तेरे को? मोस्ट हैंडसम, डैशिंग, हॉट, वकार, जगा। वकार भाई पाकिस्तान के रणविजय सर हैं। अब इनको रणविजय से जरा कंपेयर करो। अबे भाई क्यों कंपेयर करें उसको उसके साथ साले? तेरे मुंह जैसा खुल रहा है ना, वकार तका का नाम सुन के तेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे लग रहा है ये वकार तका तुझे ही चाहिए। अबे भाई तू, अगर तेरे को वकार तका चाहिए ना, तू ले ले, आ जा, वकार तका भी ले ले और साथ में इसको भी ले। और अगर तेरे को ये भी कम पड़े ना, ये भी हमारे पास एक वकार तका जैसी एक चीज़ है, अगर ये भी कम पड़े ना, तो तेरे को फिर ये चीज़ देंगे, तू ये ले लियो, ताकि तेरा जो ये जो अंदर तेरे 0 पॉइंट में ख़ारिश हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि तेरी ख़ारिश से मुझे लग रहा नहीं है कि तेरे को इन तीनों से भी कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी तेरे को फ़र्क नहीं पड़े ना, फिर जो हमने तेरे को शुरू में बम्बू दिया है ना, वही तेरे को दोबारा से देंगे, ताकि तेरे 0 पॉइंट की ख़ारिश ख़त्म हो और तू दोबारा हमारे मुल्क के बारे में कोई फजूल की बकवास ना करे। और लड़के, तेरा ये वाला सीन देख के ना मैं तो हैरान हुआ, लेकिन मेरे साथ जितने देखने वाले हैं ना, उस सब के सब लोग भी हैरान हो गए कि आखिरकार वकार जका ने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि तू ये करने पे मजबूर हो गया। वकार भैया बताओ तो जरा, ऐसे ऑन द स्पॉट। चल बेटा, इस बात को ना इधर ही ख़त्म करते हैं। तेरे को वकार जका चाहिए था, हमने तेरे को वकार जका दे दिया। तूने अपना दीदी का रिश्ता वकारदा को देना था, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, तूने दे दिया। अच्छा, तुझे बम्बू चाहिए था, हमने तुझे बम्बू भी पूरा दे दिया। अच्छा, और इसके अलावा साथ में तेरे को हमने आमिर भाई फ्री में दे दिया। अब देख बेटा, दोबारा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। तेरे को किसी के बारे में बोलना है ना, तो बोल। वकार जका के बारे में बोलना है, भले बोल। किसी और के बारे में बोलना है, बोल। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेके मत बोल, वरना इस बार ही तो तेरे को मैंने गालियाँ नहीं दी, बड़े प्यार से समझाया। अगली बार तेरे को मैं ऐसा समझाऊँगा ना कि तू दोबारा कभी पाकिस्तान का नाम लेने की सोचेगा भी नहीं। समझ आ रही है? ओके। अच्छा, और एक और बात, तू हर किसी से सवाल पूछता रहता है ना, तो आज मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, तूने मुझे इसके जवाब देने, ठीक है? तेरे मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, तू एंड में हमेशा ना लोगों से ना लास्ट में अजीब अजीब से फालतू के सवाल पूछता रहता है, तो आज मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ। चल बेटा, रेडी हो जा जल्दी से। शाबाश।
चल बेटा तेरा आज का पहला सवाल, जब तेरे को हमने बम्बू दिया तो तेरी आंखें बाहर आई थी। ऐसा ही है। चल बेटा तेरे से एक और सवाल पूछता हूँ, तू वकार दगा को अपनी दीदी देगा ना? ऐसा ही है। तो चल बेटा अब मैं तेरे से लास्ट सवाल पूछने लगा हूँ, आज से तू मानता है ना कि पाकिस्तान तुम्हारा बाप है? ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने वतन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।